श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे वेदांत का आदि मुख्य सूक्ष्म शिष्य जो है अपना मुख से बता रहा है। ये मतलब शिष्य जो है अपने आप बता रहा है, तब ये पूरा जो है संशय नहीं है। मैं बताया था पहले ही, वहाँ पर ननु कह के प्रारंभ कर रहे हैं। ननु कह के प्रारंभ करने वाला संशय नहीं है, वो जो है अपना भूमिका निभा के उसके बाद जो है वो संशय को प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर भी जो है जो भी बता रहा है, कथम जब प्रश्न है, कथम के लिए वो जो उत्तर दे रहा है वो संशय नहीं है, संशय का भाग नहीं है। वो जो है संशय का बीज, क्यों संशय होता है मुझे, उसके कारण वो उसका कारण को समझा रहा है। कारण को जब समझा रहा है तब वह कारण वेदांत युक्त कारण है। वेदांत में हम गुरु जो बताए थे उसका अनुरूप वो जो है समझ के बता रहा है। वो ना समझ नहीं है, प्रश्न ऐसा पूछ रहा है मतलब ना समझ नहीं है। क्योंकि अरे इसमें क्या है, कूटस्थी ब्रह्म है, ये कूटस्थी ब्रह्म है। हम लोगों को जो है दिमाग से नहीं है, ये बाल का जो कोने है उससे हम लोगों को मालूम है। इसलिए वेदांत हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और वह जो है वेदांत को एकदम समझ गया है, तो इसलिए उसको ये प्रश्न आ रहा है। प्रश्न कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये जो है सामान्य विषय नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। प्रश्न ऐसा प्रश्न आने के लिए उसमें डूब के रहना चाहिए आपको, तभी जो है ये ऐसा एक गलती हो सकता है। क्योंकि हम लोग का जो है मैं बता रहा था वो सुपरफ्लुअस नॉलेज है, ऊपर ऊपर का जो है हम लोग कुछ करके निकल जाते हैं। अंदर जाके जो है वो समझ के उसके बाद वो प्रश्न पूछ रहा है, हम लोग बिना समझ के उत्तर देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों में फर्क है। तो क्या कह रहे हैं शिष्य है, तो वहाँ पर गुरु ने बताए थे चितिमत्वे समय अपि भृत्य स्वामिनोहो अन्योन्यत्वं दृष्टं बोल के पूर्व में बताए थे, ठीक है। और उसके लिए उत्तर बताए थे, मैं तो तुम्हें समझाने चाह रहा था कि अग्नि उष्ण प्रकाशवत, ये जो अग्नि का उष्ण और प्रकाश जैसा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव है। कूटस्थ नित्य चैतन्य, कूटस्थ नित्य चैतन्य मतलब निर्विकार नित्य चैतन्य। निर्विकार नित्य चैतन्य कहने के पश्चात उसको जो है बताए थे, तब तुम झूठ कहाँ से बोला है भाई। ऐसा जो है स्थिति में तुम्हारा स्वरूप क्या है, निर्विकार चैतन्य है। तब तुमने जो है मैं वैसा हूँ मैं ऐसा हूँ बोल के कहाँ बोल दिया तुमने। तो वहाँ पर बताए ना, मैं जो है जागृत और स्वप्न में जो है बहुत तरसकार, बहुत जो है दिक्कत हो रहा है मुझे, दर्द हो रहा है, और सुषुप्ति में जाके विश्राम कर लेता हूँ। विश्राम करके बार बार यहाँ वापस आके जो है मैं लात खा रहा हूँ। तो तब उनको बता रहे हैं, तो ये जो है तुम ऐसा कैसा बताया था वो सही है कि नहीं है, तुम्हारा वो मोह जो है निकल गया कि नहीं है। तब शिष्य जो है पहले ही बता दिया है अपगता है। देखिए हमेशा जो है उत्तर सीधा सीधा उत्तर है, घुमा के फिरा के उसके बाद उत्तर नहीं है। ना गुरु को कुछ निराकर करना है तो पहले ना हो गया है। और शिष्य भी क्या कह रहे, अपगता है, अपगत कैसा है उसके बाद में वो बात है। तो प्रसादात, हम लोग जो है आपका कृपा से है महाराज जी, हो गया महाराज जी आपका कृपा से, ये प्रवृत्ति है। पहले जो है हो गया ये बात कह रहे गुरु जी को, अपगता है हो गया सही। तो आगे जो है एक 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 प्रवृत्ति मात्र के लिए बताए तत्प्रसाद, ठीक है। अभी किंतु इसमें तो हो गया मतलब अभी आगे चलो बंद कर दे इसको ग्रंथ, अभी आगे क्या बढ़ाना है, तो तुम्हें तो समझ में आ गया। तो किंतु कह के जो है प्रारंभ करे, किंतु इसमें एक जो है समझ तो आ गया, मगर ये मगर जो है सबको बात को काट देता है। मगर यहाँ पर वो ऐसा नहीं करता है,
तो यहाँ पर जो है वो समझ गया, इसमें स्पष्टता देने के लिए वो इतना वाक्य बता रहे हैं। तो तमामा कूटस्थायाम संशय है, मुझे जो है कूटस्थता में, कूटस्थतायाम मतलब क्या है, निर्विकारायाम, निर्विकार में, मैं निर्विकार हूँ जो बताए थे, निर्विकारे संशय है, निर्विकार में जो है संशय है। तो निर्विकार में क्या संशय है, कथम संशय है, तो गुरु जी का बीच में एक प्रश्न है, कथम, हाँ आप पूछ रहे कथम बोल के मुझे समझ में आ रहा है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्या है, शब्दादि नाम, शब्दादि से जो हम लोग वहां पर अर्थ ले लिए है रूपादि नाम, क्योंकि शब्दादि से रूप भी आ गया है, क्यों रूपादि को लेना है, क्योंकि आगे जाके आपको नील पीतादि कह रहे हैं, क्योंकि वो नील पीतादि को क्यों लेके आना है, तो नील पीतादि को इसलिए लेके आ रहे, तब आप जो है जो बात कह रहा हूं उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके आंखों के सामने देख सकते हैं, तो शब्द का जो है आपको आंखों के सामने वो देख नहीं सकते हैं, विजुअलाइज कर नहीं सकते, इसलिए क्या है रूपादि नाम ले लीजिए, हाँ शब्दादि नाम स्वतः सिद्धिर नास्ति, शब्दादि जो है अपने आप स्वतः सिद्धि नास्ति, मतलब क्या है अपने आप सत्ता प्राप्त करने वाला नहीं है, स्वतः सिद्धि मतलब स्वयं सत्ता वाला नहीं है, स्वयं सत्ता वाला नहीं है, ये बात, तो क्यों स्वयं सत्ता वाला नहीं है, अचेतनत्वात्, अचेतन जो है अपने आप में कैसा सत्ता वाला बन सकता है, अपने आप जो है उसका सत्ता कैसा हो सकता है, ठीक है, और शब्दादि प्रकार प्रत्यय उपपत्तेस्तु, तो शब्दादि आकार प्रत्यय उपपत्तेस्तु तेषां प्रत्ययानां इतरे इतरे करके जो है लंबी चौड़ी वाक्य है, तो क्या कह रहे हैं शब्द, तब शब्दादि आकार ज्ञान तुम्हें कैसा हो रहा है, शब्दादि जो है तुम्हारा अनुसार बाहर ये जो कलम जो है अपने आप में स्थित नहीं हो सकता है, सत्ता नहीं हो सकता है, मुझे समझ में आ रहा है, ये बात तो ठीक है, अचेतन है ये हेतु भी ठीक है, मगर मुझे और तुझे ये पेन कैसा दिखाई दे रहा है, ये पेन का सत्ता वहां पर कहां से आ गया है, तो उसको व्याख्या करने के लिए अभी स्पष्ट कर रहा है शब्दादि आकार प्रत्यय उत्पत्ते हेतु केशा, वो जो पेन इत्यादि क्या है, शब्दादि आकार, ये जो पेन आकार, ये जो पेन का आकार रूप में वो जो है ज्ञान उत्पत्ति कर रहा है, प्रत्यय उत्पत्ति हेतु, प्रत्यय उत्पत्ति हो रहा है, ज्ञान उत्पत्ति हो रहा है, वो कैसा है, तेषां प्रत्ययानां इतरे इतर व्यावृत्ति विशेषान नीलापीदादि आकारवत्तम स्वतः सिद्धिया संभवात, उसमें भी क्या है ये प्रत्यय में क्या है, ये एक दूसरे से भेद करने वाला प्रत्यय, कपड़ा प्रत्यय है और पेन प्रत्यय है, इतरे इतर व्यावृत्ति है, विशेषण समझ लीजिए जल्दी बाजी को सुन, वृत्ति वृत्ति एक है, वृत्ति एक है, वृत्ति में भेद नहीं है, हम लोग जो है वृत्ति में काम वृत्ति क्रोध वृत्ति ये सब भेद देखने लग गए हैं, वृत्ति में कोई भेद नहीं है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि अंतकरण वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात, अंतकरण वृत्ति में ज्ञान को ज्ञान रूप से ज्ञान शब्द से जो उपचार में कहते हैं, ज्ञान क्या है अंतकरण वृत्ति ही है, और संविद एक रूप, संविद क्या है ज्ञान है, ज्ञानम एक रूप न विध्यते, ज्ञान एक ही प्रकार का है, वहां पर भेद नहीं हो सकता है, ज्ञान एक ही प्रकार का है, मतलब वृत्ति एक ही प्रकार का है, वृत्ति वृत्ति ही है, और वृत्ति में जो है यहां पर नील पीतादि आकारत्व कहां से आ जाएगा, वृत्ति एक प्रकार का है तो वृत्ति में कैसा क्रोध आदि काम आदि इतना पेन पैक ये सब जो है कैसा विशेष आ जाएगा, तो कह रहे हैं देशाम प्रत्यानाम इतरे इतर व्यावृत्ति विशेषानाम, वो जो प्रत्यय एक रूप है ज्ञान, उसमें जो है एक दूसरे से व्यावृत करने के लिए ये उससे भिन्न है, व्यावृत्तानाम विशेषणानाम, स्पष्ट कह रहे हैं विशेषण का लक्षण को, लक्षण क्या है
विशेषण को इतर व्यावृत्ति ही, लक्षण का स्वरूप है इतर व्यावृत्ति। इतर व्यावृत्ति करने वाला ये जो विशेष है वो क्या है, नील पीतादि आकारवताम, वो क्या है, नील पीत इत्यादि स्वरूप का है। वह जो वृत्ति क्या है, विशेष युक्त है, वो कैसा है, नील पीतादि आकार वृत्ति है। ठीक है, अभी तो ठीक है, नील पीतादि आकार वृत्ति तो वृत्ति है। अरे सुनिए महाराज, स्वतः सिद्धि असंभवात, वो भी जो है अपने आप में नहीं रह सकता। मतलब बाहर जो विषय है वो भी अपने आप सत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है, अंदर जो वृत्ति विशेषण रूपी वृत्ति है या वृत्ति ही क्यों ना हो वो भी स्वतः सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। तब क्या कह रहे हैं, तस्मात, इसलिए सिद्धांत, मुख्य मूलभूत सिद्धांत क्या कह रहे, बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यते इति। इसलिए जो है बाह्य आकार निमित्त ये जो वृत्ति क्या है, बाह्य आकार निमित्त बनता है, बाह्य अपना जो है शरीर से या आत्मा से बाहर जो भी विषय है उसका आकारत्व, उसका स्वरूपत्व, उसका जो रूपरेखा आदि, उसका कारण बनता है। कौन बनता है, इति बाह्य आकारवत शब्दादि आकारत्व सिद्धि। तो ये जो यहां पर स्पष्ट नहीं बता रहे, तद तस्मात, इसलिए क्या है, बाह्य आकार निमित्तत्वं गम्यते, बाह्य आकार का कोई निमित्त है। याद रखिए यहां बता नहीं रहा है कौन निमित्त है, सहां पर ये जो जड़ादि पदार्थ का सत्ता नहीं बन सकता है, ये जो अंतकरण में जो वृत्ति है उसका भी पृथक रूप से सत्ता नहीं बन सकता है, और ये जो अंतकरण वृत्ति ही बाहर विषय को जो उत्पन्न कर रहा है इसमें जो है संशय नहीं है, ये स्पष्ट है मुझे। मगर इसमें क्या है, ये जो बाह्य आकार रूप में जो दिखाई दे रहा है उसके लिए कोई और कारण है, निमित्त है, तस्मात गम्यते। ये वृत्ति या विषय जड़ होने के कारण स्वतः सत्ता नहीं हो सकता है उसमें, इसलिए इसका सत्ता प्रदान करने वाला अन्य कोई है। ठीक है, अभी इति गम्यते, तो उससे क्या हो जाएगा, बाह्य आकारवत शब्दादि आकारत्व सिद्धि। तब वहां पर एक शब्द से स्पष्ट कर दिया है, बाहर तब विषय है ना, तो क्या बता रहे थे वो देखिए, बाह्य आकार निमित्तत्वम, बाह्य आकार निमित्तत्वम, बाहर जो है ये पेन, वहां सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई निमित्त है। मतलब बाहर का विषय बाहर है, बाहर का विषय बाहर है, ऐसा हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि शब्द का प्रवृत्ति क्या है, तस्माद बाह्य आकार निमित्तत्वम। शब्द को ध्यान कीजिए, बाह्य आकार, ये जो बाह्य रूप यहां पर इसका स्वरूप सिद्ध होने के लिए कोई निमित्त है, मतलब बाहर विषय सत्ता सही है, उसका जो वाक्य उससे हम लोग अर्थ है। मैं अर्थ यहां कल्पना नहीं कर रहा हूं, मैं वहां उसका जो वाक्य का तात्पर्य उतना ही बता रहा हूं, बाह्य इसका सत्ता है। अच्छा, तो अभी तक जो है बाह्य कोई विषय ही नहीं है, वृत्ति ही है, वृत्ति ही बाहर जाके ये सब नाटक क्या था, तो अगला शब्द क्या है, बाह्य आकारवत हो गया है, बाह्य आकार का निमित्त ये मान लिया तो बाहर सत्ता पृथक रूप से है ये मत समझिए, क्योंकि यहां पर बाह्य आकारवत, बाह्य आकारवत, बाह्य आकार जैसा ये है वत, उसको ही बता रहे हैं, बाह्य आकार वत, बाह्य आकार का जैसा ही क्या है, अंदर भी क्या है, शब्दादि आकारत्व सिद्धि ही, शब्दादि आकारत्व बाह्य आकारवत सिद्धि ही। समझ रहे ना, यहां पर दृष्टांत रूप से नहीं है बाह्य आकारवत, बाह्य आकारवत मतलब बाहर आकार जैसा है वैसा ही नहीं है, शब्दादि कहां पर होता है, अंदर थोड़ी होता है, बाहर ही है वो,
इसलिए शब्द को छोड़िए रूप को पकड़िए, बताया था मैंने। रूप मतलब कहां पर है, अंदर नहीं है, बाहर है, आत्मा का बाहरी तो रूप है, शब्दादि है, तो वो क्या है, बाह्य आकारवत, मतलब बाह्य आकार इव, बाहर जो है उसका सत्ता सिद्ध हुआ जैसा, नहीं है जैसा वत, वो वत को जो है बाह्य आकार वत को जो है आगे लेके समझना है। यहां पर ये जो अन्वयी जो है बहुत ही कठिन है, क्या है बाह्य आकार वत, किसको, शब्दादि आकार को बता रहे हैं। तो ये जो शब्दादि आकार तुम जो देख रहे हो, ये सही में वहां पर नहीं है। बाह्य आकार वत उसका निमित्त क्या है, निमित्तम गम्यते बताए थे, उसका निमित्त क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय के कारण जो है वो हो रहा है, प्रत्यय का निमित्त भी ढूंढना पड़ेगा ना हमको, तो इसलिए कह रहे हैं तथा तथा अभी बता रहे तथा प्रत्ययानाम अपि, तथा प्रत्ययानाम अपि, आगे क्या बताए वो देखिए मत, तथा प्रत्ययानाम अपि, इससे एक बात समझ में आ गया है, बाह्य आकारवत ये जो वस्तु दिखाई दे रहा है वैसा इसका कारणभूति प्रति जो है वृत्ति भी क्या है, तथा मतलब बाह्य आकारवत, उसमें भी कोई सत्ता नहीं दे रहे हम लोग, तो ठीक है, मतलब वृत्ति भी झूठा है और वहां से जो बाहर आके बाहर जैसा सिद्ध होने वाला ये भी झूठा है, मतलब तुम्हारा प्रश्न क्या है वो बताओ। तो वहां जा रहे हैं, अहम प्रत्यय आलंबन वस्तु भेदानाम संहतत्वात् अचेतनत्व उपपत्ते अचैतन्य उपपत्ते है। तो यहां पर ये जो बता रहे तथा प्रत्ययानामपि अहम प्रत्यय आलंबन वस्तु भेदानाम, ये जो है प्रत्ययानाम इतरेतर व्यावृत विशेषानाम जो बताए थे उसको जो है बता रहे, स्पष्ट कर रहे, तथा प्रत्ययानामपि, ये जो प्रत्यय भी क्या है उसका आधारभूत प्रत्यय क्या है, कोई भी प्रत्यय है वो ये सब जो है मैं पे आधारित ही होता है, यदि मैं नहीं हूं तो ये या वो बिल्कुल वहां सत्ता प्राप्त ही नहीं कर सकता है। मेरे लिए है ये और वो, मैं नहीं है तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो तीन तीन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ये सब कोई वहां पर प्रवृत्ति नहीं है, मैं नहीं हो तो अस्मि ये नहीं है तो वहां का जो भी बात है वो नहीं है, सिद्धि नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं अभी अस्ति अस्मि ही आप स्वीकार नहीं करेंगे, अस्मि ही स्वीकार नहीं करेंगे, अस्ति असि क्या सिद्ध करके क्या फायदा है, किसके लिए असि और किसके लिए जो है अस्ति, अस्मि नहीं है वहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं तथा प्रत्ययानामपि अहम प्रत्यय आलंबन वस्तु भेदानाम, ये प्रत्यय भी क्या है वो भी वस्तु भेदता उसमें भी नहीं है, क्या बता रहे, वस्तु भेद क्या है इतर व्यावृत्ति विशेषणानाम, वस्तु भेद क्या है इतर व्यावृत्ति करने वाला है विशेषण, तो वो विशेषण रूप से मतलब एक एक वृत्ति जो है दूसरा वृत्ति से अपने को भिन्न कर रहा है, यहां पर वृत्ति में तो भेद नहीं हो सकता है, बताए थे जड़त्वात वृत्ति वृत्ति है, और वृत्ति में कहां से अभी भेद निकल के आ गया, अहम प्रत्यय का जो है आधार पर उसको आलंबन करके उसको पकड़ के जो वृत्ति उत्पन्न हो रहा है इतर इतर भेद करके, वो कह रहे हैं संहतत्वात, हो सकती है क्या वो भेद विषय, संहतत्वात एक ही हेतु है, संहतत्वात आप यहां सब जो है एक ही हेतु दे सकते हैं, वो इतना स्पष्ट है, मतलब उसमें संशय नहीं है, स्पष्टता है, क्या कह रहे हैं संहतत्वात हेतु दे रहे, संहतत्वात हेतु वृत्ति, संहतत्वात विषय, संहतत्वात जो भी मुझसे अन्य है, संहतत्वात क्या है वो अचैतन्योवत्ते है हेतु हो गया, जो भी संहत है मतलब सम्मत नहीं है, संहत मतलब समूह,
जो भी जो है, समूह क्या है परार्थ के लिए, समूह क्या है परार्थ के लिए, तो मैं कूटस्थ स्वार्थ के लिए मात्र, स्वार्थ के लिए मतलब मैं जो है कोई अन्य का विषय नहीं बन सकता हूं, ये तात्पर्य है। तो इसलिए चैतन्य मुझमें मात्र होता है, इसमें सब चैतन्य तो उपपत्ते है नहीं है, अचैतन्य उपपत्ते है कह रहे, इसलिए ये सब चैतन्य रहित सिद्ध हो गया है। किसमें? ये जो भी सम्मत में, सम्मत क्या है, वृत्ति भी है और विषय भी है। तो तब स्वार्थत्व असंभवात स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक ग्राहक ग्राह्यत्वेन सिद्धि शब्दादिवदेव। तो इसलिए शब्द जैसा जो है ग्राहक ग्राह्य रूप में, ग्राह्य ग्राहक हम लोग सामान्य कह देते हैं, हम ग्राहक ग्राह्य बता रहे हैं। तो मैं ग्राह्य हूं, ये ग्राहक है, इसलिए क्या कह रहे, ग्राहक ग्राह्य रूप में बाहर से अंदर आ रहे हैं स्वाभाविक रूप से, तो ये ग्राहक है और ग्राह्य में हूं। यहां पर देखिए, ये ग्रहण किया हुआ विषय है और ग्रहण करने वाला मन है, ठीक है, और प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या है, ग्रहण करने वाला विषय है और इसको ग्रहण करने वाला मैं हूं, आत्मा है अभी, ठीक है, ग्रहण करने वाला, इसलिए ग्राहक ग्राह्य बताए है, ग्राहक विषय ग्राह्य विषय है और ग्राहक मैं हूं, और ग्राह्य में जो समझ रखा हूं वृत्ति वो ग्राह्य है और ग्राहक कौन है, मैं हूं कूटस्थ, ठीक है। इति सर्व स्वार्थत्व असंभवात स्वरूप व्यतिरिक्त स्वार्थत्व, इसमें जो है कोई स्वार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्मतत्वात, समझ लीजिए, सम्मतत्वात अचैतन्य उपपत्ते है, सम्मतत्वात स्वार्थत्व अनुपत्ते है, दो उसी से जो है वहां पर विराम दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है वहां पर वो हो गया है। सम्मतत्वाद स्वार्थ अचैतन्य उपपत्ते है, सम्मतत्वाद स्वार्थत्व असंभवात, तो स्वार्थ नहीं बन सकता है, परार्थ के लिए सम्मत है, इसलिए क्या है, स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्य ग्राहकत्व सिद्धि, अपने से भिन्न ये जो ग्राह्य ग्राहक ये जो सिद्धि बन रहा है, सिद्धि मतलब उसका सत्ता हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये जो विषय है और इसका ग्रहण करने वाला वृत्ति है, ऐसा रूप में हम लोग समझ रहे हैं। इति कैसा सिद्धि शब्दादिवदेव, जैसा शब्दादि को ग्रहण करने वाला विषय रूप में देख रहा हूं, वैसा वृत्ति को भी ग्रहण करने वाला विषय रूप में मैं देख रहा हूं, शब्दादिवदेव, ठीक है। असंहतत्वे सति, अभी संहत का विषय जो बता दिया है, अभी इसके बारे में क्या बात करना है, अविद्या जो है, अविद्या का विषय इसलिए बताया था कल जो है वो 13वां अध्याय का तीसरा भाष्य, तो वहां पर प्रश्न यही है, कस्य यम अविद्या, ये अविद्या किसका है, तो उससे क्या तुम्हें होना है, निरर्थक वयम प्रश्न है, उसमें जो है कोई मतलब ही नहीं है, ये कहां पर से आया है, कैसा आया है, क्यों आया है, ये सब जो है बेकार की प्रश्न है। अविद्या के सम्मत में जो है ये कैसा क्यों ये सब प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता है, होता ही नहीं है, तो अविद्या नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मगर अविद्या है तो है, जिसको अनुभव में आ रहा है अविद्या उसको है, वही निवृत्त करना है, इसमें एक खतरनाक है। वहां पर भाष्य में जो है बात क्या कहा है, जिसको अनुभव में आ रहा है अविद्या उसको निवृत्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो करे, तुम्हें क्या है, मुझे तो अनुभव में नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया है, शाबाश, हो गया बात। तो दिक्कत क्या है, अविद्या का अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, दो अवस्था में होता है, एक बिल्कुल अविद्या रहित स्थिति है, दूसरा अविद्या है ये भी मालूम नहीं, उतना अविद्या में डूबा हुआ है, अविद्या नहीं है
वो जानना भी क्या है, अविद्या ही है, वो भी नहीं समझ रहा है। वो उतना मूर्ख तो नहीं है हम लोग, कम से कम जो है कृपा है हम लोगों के ऊपर। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, असंहतत्वे, सम्मत का विषय तो हो गया अभी अभी, असंहतत्वे सती चैतन्यात्मकत्वात्। अभी जो है कुट स्पृष्ट को पूछो, ये तो सब समझ लिया तुमने, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी ये प्रश्न क्या है, असंहतत्वे सति, ये जो है मेरा स्वरूप क्या है, सम्मत नहीं है, समूह में नहीं है, तो इसलिए अनित्यत्व दोष नहीं है, ठीक है। तो चैतन्यात्मकत्वात्, चैतन्यात्मक है, चैतन्य स्वरूप है वो, जो है जड़ स्वरूप है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, क्योंकि उसमें सत्ता स्वतः हो नहीं सकता है, वृत्ति में और विषय में, मुझ में हो सकता है। वृत्ति के कारण ही जो है विषय बन रहा है, विषय को ग्रहण करने के लिए वृत्ति बन रहा है, यही जो है वहां पर खेल है, ठीक है। अभी चैतन्यात्मकत्वात् स्वार्थो अपि, और ये क्या है, असंहत है इसलिए स्वार्थ भी है, ठीक है। अहम प्रत्यानम, किसके बारे में बता रहे हैं, अहम प्रत्यानम, इसलिए पहले उसको ले लीजिए, अहम प्रत्यानम असंहतत्वे सति चैतन्यात्मकत्वात् स्वार्थो अपि, जो अहम प्रत्यय है सबको सत्ता दे रहे हैं, वो अहम प्रत्यय क्या है, स्वार्थ है, चैतन्य स्वरूप है और असंहत है, कूटस्थ में ही हूं। समझ लिया ना, एक मिनट, नील पीतादि आकार उपलब्धा इति, मतलब सब जो है, जैसा दक्षिण में एक प्रयोग है बढ़िया सा जो है, केले के पत्ता, केले के पत्ता में तो खाना खिलाते हैं, तो केले के पत्ता बढ़िया से वहां पर रख दिया है, उसको साफ सुथरा कर दिया, बड़ा पत्ता है और उसमें एक एक के लिए एक एक स्थान है, नमक वाला जो है सब ऊपर होना चाहिए, नमक नहीं है वो जो सब नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये परि वो जो, उसका जो है आप परोसना भी एक कला है, ठीक है। तो ये मजाक उड़ाते वक्त कहते हैं, अरे ये कला आपको समझ में नहीं आता है, यहाँ से 35 डिग्री नॉर्थ आपको जो है वड़ा मिलेगा, 35 डिग्री साउथ आपको खीर मिलेगा, ऐसा करके मजाक उड़ाते हैं। बात क्या है, इतना गणित रूप से जो है वो केला में, केला पत्ते में परोसते हैं, ठीक है, और बढ़िया खाना परोसा है, ऐसा नहीं है कुछ बेकार खाना, बहुत बढ़िया खाना परोसा है, मगर एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा विष्ट एक कोने पे जो है डाल दिया, आप क्या करेंगे उस खाने को, जो है हम लोग लेंगे क्या, थोड़ी ही तो है, इतना ज़्यादा थोड़ी लिया, इतनी छोटा सा बिंदु है, तो उस सूप को खराब कर देता है ना, मूड को। तो इसलिए यहाँ पर भी इतना जबरदस्त बात कर रहा है, असंहत समझ लिया उसने और चैतन्य स्वरूप समझ लिया, स्वार्थ समझ लिया और अहम प्रत्यय को जो है समझ भी लिया है इतना स्वरूप में, फिर भी क्या है, छोटा सा वहां पर विष्ट है, क्या बता रहा है, नील पीतादि आकार उपलब्ध इति, नील पीतादि आकारान उपलब्ध इति, मैं जो है उपलब्धा हूँ, अहम प्रत्यय में जो है अहम उपलब्धा, किसका उपलब्धा, नील पीतादि आकार, वृत्ति रूपेणा भी विषय रूपेणा भी मैं ही जो है उसको उपलब्धा हूँ। समझा ही नहीं है तुम तो इसलिए पूछ रहे हैं, क्रियावान एव, हाँ अभी तक क्या है, असंहतत्व चैतन्य रूप और स्वार्थ, तब जो है गुरु जी हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया है, अभी इसको पूर्ण कर सकते हैं। ओ तो ओम पूर्णमद प्रारंभ करने का जो है स्थान में ही वो कह दिया है, आपका ओम पूर्णमद क्या है, मध्य का मंगलाचरण हो सकता है, क्योंकि आदि में और अंत में सिर्फ नहीं है, बीच में भी मंगलाचरण कर सकते हैं। तो वो मंगलाचरण जो आप कर दिए है वो बीच के लिए है, क्यों, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, क्या हो गया है, तो कह रहे हैं विक्रियावान एव कूटस्थ इति संशयः, ये कूटस्थ क्या है, विक्रियावान ही है। विक्रियावान क्यों हो गया भाई, अहम प्रत्यय विषय के साथ संबंध रखा है, अहम प्रत्यय विषय के साथ उपलब्धारूप संबंध रखा है, उपलब्धारूप संबंध रखा तो उपलब्धा उसके साथ बिगड़ेगा ही है, बिगड़ेगा ही है। तो इसलिए मतलब ये जो है अनर्थ है, उसमें जो है कोई विशेषण नहीं है, तो वैसे ही तो है वो, जो हम लोगों का वहाँ पर वो केले का जो छिलका है उसको सुखा के उसी से जो है
फूल वगैरह, फूल माला वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अभी फूल उस छिलका को जो है कि सूंघिए कुछ नहीं है, अब रस्सी भी क्यों ना उपयोग करो, वो भी ठीक है, तो उसको जब सूंघिए कुछ भी उसमें स्मेल नहीं है दागे में, तो उस दागे से जब बांध लेते हैं फूल और उसको निकाल देते हैं, फूल को सब जो फूल सूख गया उसको निकाल देते हैं, दागे में जो है सुगंध रहता है। यहाँ का जो खुशबू क्या है वो जो जो रोज बेचते हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या है रोज की जगह से जो नॉर्मल रोज होता है उससे भी जो है गुलाब से अधिक जो है गुलाबी, उसमें गुलाब का वास स्मेल होता है, सेंट लगा देते हैं उसमें। तो वैसा जो है यहाँ पर उसको उसका उसका जो क्या नाम है रस्सी को जो है अब धागे को जो है सूंघे तो धागा में आ गया। कहाँ से आ गया? अरे संबंध रखा था ना उसके साथ, इसलिए। तो ये जो है अच्छे विषय के बारे में बता रहे हैं, तो संबंध उसमें नहीं है, ये निर्विकार है, निर्विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके साथ संबंध रखा है ना, संबंध रखा है तो ये भी बिगड़ गया। मतलब ये जो है कूटस्थ नहीं हो सकता है, हम साक्षी नहीं बन सकते हैं, तात्पर्य। मैं उसके साथ संबंध रखूंगा तो, वृत्ति के साथ संबंध रखूंगा तो मैं भी तो उसके साथ जुड़ रहा हूं। कहां से जो है ये संबंध मुझे जो है कोई कुछ नहीं करेगा, ये कैसा मान सकता हूं मैं कैसा कूटस्थ हो सकता हूं, क्योंकि उसके साथ मैं भी जो जुड़ रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो क्या है अभी देखिए टीका, तो यहां पर विषय सिद्ध क्या हुआ है, प्रत्यय है, प्रत्यय का स्वतः सत्ता नहीं है, विषय है, विषय का स्वतः सत्ता नहीं है, ये विषय का सत्ता प्रत्यय के सत्ता के कारण हो रहा है, विषय के सत्ता बाहर इव सिद्ध हो रहा है, उसके बाद वृत्ति के सत्ता विषय के सत्ता को ग्रहण कर रहा है, इतना विषय एक मूल में बता दी है। अभी स्पष्ट देखते हैं टीका में, इति उक्तः शिष्यः उवाच इति, वहां मोटा अक्षर में हम लोगों को जो है बताया है क्या है, इति उक्तः शिष्य उवाच इति, ऐसा जब बताए थे तो शिष्य कह रहे क्या है, अपगतः मोह इति अनुषंगः, क्या कह रहे, अपगतः मोहः, मेरा मोह जो है निवृत्त हो गया है, इसलिए ये व्यामोह इसको जो है वहां जोड़ दिए हैं। मूल में तो शब्द नहीं है, कोई जो बताए थे अरे ये नहीं है तो ये समझ में नहीं आएगा, इसको भी लिख डाल, हो गया वो भी एक प्रमाण। इसलिए संघात साक्षिणः निर्विकारस्य उक्तत्वाद् कथम संशय इति तन्मुखे नैव कूटस्थताम् अवगमयितुम् गुरुः पृच्छति। क्या बात है, क्या है यहाँ पर, संघात साक्षिणः, ये संघात का, संघात संसार सृष्टि, ठीक है, ये सृष्टि का साक्षी निर्विकार, स्पष्ट कह दिया निर्विकार से उक्तत्व, निर्विकार रूप में उसको सिद्ध कर दिया, निर्विकार को नहीं है, निर्विकारेण निर्विकारस्य उक्तत्वात्, निर्विकार स्वरूप को जो है हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। अभी कथम संशय इति, तुम्हें अभी संशय कहां से आ गया भाई, कूटस्थ बता दिया है, ये संशय कहां से आ गया, इति तन्मुखेनैव, उसका मुंह से ही जो है कूटस्थताम अवगमयितुम, तुम कूटस्थ में, कूटस्थ मतलब क्या समझा, तुम कूटस्थ जो बता रहे हो ये कूटस्थ मतलब तुमने क्या समझा, उसको जो है समझाने के लिए, सुनने के लिए, उसी के मुंह से जो है सुनने के लिए, उसका जो समझ है उसको समझने के लिए जो है गुरु पृच्छति, गुरु जो है वहां पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं मोटाक्षर में, कथम इति संशय इति अनुषंग, कथम संशय, वहां पर प्रश्न जो है कथम कैसा है, हम लोग को समझ में आ गया कैसा है, मतलब ये संशय कहां से कहां है भाई, तो उसको जो है संशय स्पष्टता के लिए, कथम संशय है, कैसा तुम्हें संशय हो रहा है कूटस्थ के बारे में, तो कह रहे हैं शिष्य स्वविदितम अर्थम निवेदयति, तो शिष्य जो है तो समझा है वो तात्पर्य, उसको जो है गुरु के सामने प्रस्तुत करता है, निवेदयति कह दिया वहां पर, तो शिष्य जो है
गुरु के सामने प्रस्तुत करता है, क्या है मैं क्या समझा हूं। आप देखिए शब्दादीनाम इति, शब्दादीनाम कहने का तात्पर्य क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधस्तावत, गंधा तावत विषयः प्रसिद्धः, प्रसिद्ध है शब्द मतलब ये सब पांचों पांच विषय है, ये प्रसिद्ध है। तेषां अचिद्रूपत्वा, तेषां विषयाणाम अचिद्रूपत्वात् बाहरहवि, तेषां विषयाणाम अचिद्रूपत्वात् स्वतः स्फुरणं नास्ति इति अविदादम, इसमें कोई विवाद नहीं है, उसमें स्वतः स्फुरणं नास्ति मतलब स्वतः सत्ता उसमें बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। उसका स्फुरणता बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कथम हति तर्हि तेषां स्फूर्ति इति, तो अनुभव कैसा हो रहा है उसका, शब्दादि का अनुभव कहां से हो रहा है, इति तदा है, तो कथम तर्हि, तो वो स्वतः स्फूर्ति नहीं है। तो गुरु जी पूछ रहे तब कैसा तुम्हें अनुभव आ रहा है भाई, तुम तो बता रहा था ये सता रहा है मतलब वो अनुभव आ रहा है। तो कह रहे है तदा है, शब्दादि आकार प्रत्यय उत्पत्तेस्तु तेषां इति, क्या है शब्दादि प्रकार, शब्दादि आकार प्रत्यय उत्पत्तेस्तु तेषां सिद्धि इति, कैसा तेषां सिद्धि, विषयाणाम सिद्धि कैसा है, शब्दादि आकार प्रत्यय उत्पत्तेस्तु, शब्दादि आकार वृत्ति उत्पत्ति से ही क्या है उसका सिद्धि है। अभी समझ रहे हैं, शब्दादि आकार वृत्ति का उत्पत्ति से ही किसका सिद्धि है, विषय से सिद्धि, तेषां विषयाणाम सिद्धि, ठीक है। शब्दादि आकाराणाम प्रत्यय रूपत्वात् न स्व अतिरिक्त ग्राह्यता इति विज्ञानवादी मतम आशंक्य मध्ये निराकरोति। यहाँ पर बीच में एक विषय जो है समझना है, शिष्य जो है जो समझा है, हम लोग जो है ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी के ज्ञानी लोग होने के कारण क्या है, हम लोगों को ये सब जो है दिखाई नहीं पड़ता है, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, मगर शिष्य जो है बहुत क्लियर है, उसको जो दिखाई पड़ रहा है वो स्पष्ट समझ रखा है। तो इसलिए क्या बोल रहा है, देखिए ये ऐसा है वो वैसा है, तो ऐसा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। तब कह रहे हैं शब्दादि आकाराणाम, वो जो शब्दादि आकार क्या है, शब्दादि आकाराणाम, वहां वो शब्द को डबल अंडरलाइन कर दीजिए, क्या बता रहे हैं, प्रत्ययरूपत्वात्, शब्दादि आकाराणाम प्रत्यय रूपत्वात्, ये शब्दादि आकार बाहर जो देख रहे हो क्या है, वृत्ति रूप ही है, वृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए न स्वतः सिद्धि ग्राह्यता, इसलिए उसका स्वतः सिद्धि ग्राह्यता हो ही नहीं सकता, विषय रूपेण ग्राह्यता हो ही नहीं सकता है स्वतः रूप से। तो ये विज्ञानवादी का संशय है, मतलब कोई भी विषय का सत्ता है ही नहीं है, सर्वम शून्यम शून्यम, मतलब सर्वम शून्यम शून्यम का जो है एक पहला स्तर है, मतलब सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम उसका जो है आधार पर, मतलब आप जो देख रहे हैं एक क्षणिक है वो क्या है, आपका वृत्ति रूपेण बाहर आया, सत्ता वहां पर है नहीं, वो भी मानता है, विज्ञानवादी भी मानता है। तो इसलिए उससे जो भिन्न करने के लिए विज्ञानवादम मतम आशंक्य, तुम जो विज्ञानवादी हो गया, अभी वेदांत पढ़ा रहा हूं मैं, तो तब कहते हैं अरे नहीं 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 गुरुजी, आप तो गलत समझ लिए हैं, प्रत्ययानाम इति आरभ्य सिद्धि रित्यंतेन, कहां से आप बता रहे हैं, देखिए शब्दादीनां स्वसिद्धि नास्ति अचेतनं शब्दादि आकार प्रत्ययानाम, वहां पर एक दो तीन चार तेषां के बाद जो है चौथे मूल में चौथा जो पंक्ति है प्रत्ययानाम, फर्स्ट शब्द वही है प्रत्ययानाम और स्वतः सिद्धिर इति, सिद्धिर इति वहां पर आगे शब्दादि आकारत्व सिद्धि,
स्वतः सिद्धि नहीं है, सिद्धि असंभवात नहीं है। हाँ, तस्मात को जो आगे ले रहे, तो स्वतः सिद्धि असंभवात, वो स्वतः सिद्धि असंभवात पढ़े, सिद्धि तंते न कनान नहीं कहना चाहिए उनको। तो ठीक है, तो वहां तक जो है आपको वो विषय ले रहे हैं, क्या बता रहे हैं, देखिए वहां पर भी क्या बताए हैं, देखिए इतरेतरम व्यावृत्तानि शब्दादि आकार, वहां जब प्रत्ययानाम इतरेतर व्यावृत्ति विशेषाणाम जो बताए थे उसको ले रहे हैं। इतरेतरम व्यावृत्तानि विशेषणानि, विशेषण का स्वरूप क्या है, विशेषण क्यों दे रहे हैं, एक दूसरे से व्यावृत करने के लिए, भेद करके दिखाने के लिए, वो उससे भिन्न है बोल के दिखाने के लिए। ठीक है, शब्दादि आकार रूपाणि येषाम, ऐसा एक दूसरे से भिन्न वाला शब्द, नील शब्द पीत शब्द या नील रूप पीत रूप, एक दूसरे से जो है भिन्न रूप में ये जो विशेषण है। ठीक है, हेतु गर्भम विशेषणम, ये प्रकाश स्वरूपत्वात् प्रत्ययानाम स्वतः एव पर उपरागम विना नील पीतादि आकारवत् तया असंभवात् न प्रत्यय मात्र स्वरूपा शब्दादे इति अध्याहारेण योजना। वहां पर जो बता रहे हैं प्रत्ययानाम इतरेतर व्यावृत्ति विशेषाणाम नीलपीकार नीलपीतादि आकारवताम स्वतः सिद्धि असंभवात, ये जो है असंभवात जो बता रहे हो हेतु है। तो यहाँ पर ये जो विशेषण बताए है ये क्या है, हेतु गर्भित है, मतलब अपना ही स्वरूप में जो है वह एक हेतु को रखा है, गर्भ में हेतु को रख के वो बता रहा है, मतलब किस, अरे तो क्या हेतु है, क्या 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 हेतु गर्भ विशेषण है, प्रकाश स्वरूपत्वात्, प्रकाश स्वरूपत्वात् कौन है, प्रत्ययानाम, हेतु गर्भ क्या है, प्रत्यय क्या है, प्रकाश स्वरूप है, और ये जो विषय क्या है, जड़ स्वरूप है। तो इसलिए कह रहे प्रकाश स्वरूपत्वात् प्रत्ययानाम स्वतः एव पर उपरागम विना, वो प्रकाश स्वरूप ये जो विषय प्रत्यय है वह किसी के साथ संबंध बिना उस विषय को प्रकाशित नहीं कर सकते, उस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए नीलादि आकारवत्तया असंभवात, वो जो वृत्ति क्या है नील पीतादि आकार रूप में प्रकाश नहीं हो सकता है, किसी के विषय के साथ संबंध नहीं रखा तो इसलिए न प्रत्यय मात्र स्वरूपा शब्दादयः इति अध्याहारे निज, प्रत्यय मात्र स्वरूप नहीं है यहाँ पर, मतलब मन ही मन आप जो है उसको देख नहीं रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हम लोग, वृत्ति, वृत्ति से बाहर वस्तु का सिद्धि, सिद्धि से वृत्ति को, वृत्ति के द्वारा उसको ग्रहण, इसलिए क्या कह रहे हैं, फर्क क्या है, हम लोग बाहर जो है सत्ता को स्वीकार करते हैं, मतलब चार प्रकार का बौद्ध का जो है लक्षण क्या है, दोनों का जो है स्वीकार करने वाला एक है, अंदर बाहर, तो सत्ता को स्वीकार करने वाला एक जो है वो क्या है, जैसा जो है सौत्रांतिक कहते हैं, वो क्या है, अंदर का भी बाहर का भी दोनों का जो स्वीकार कर लेता है, अंदर का भी बाहर का भी विषय का सत्ता स्वीकार कर लेता है, अंदर भी है बाहर भी है। वैभाषिक, सौत्रांतिक मतलब सूत्र का ही आधार पर, वो जो उनका जो बुद्ध का जो सूत्र है वो जो बताए है उसको सूत्र मानते हैं वो लोग, ये ग्रंथ रूप में सूत्र होता है तो उसको सूत्र मानते हैं। सूत्र मतलब आप जो है ब्रह्म सूत्र आदि रूप में मत देखिए, ब्रह्म सूत्र आदि रूपे न सूत्र नहीं है वो, जो ये ग्रंथ जो है एक सूत्र रूप ग्रंथ है, आपको जो है समझाता है उस विषय को, इसलिए सूत्र कहा जा सकता है इसको, वैसा वो लोग भी सूत्र मानते हैं। तो उस सूत्र के आधार पर जो बताए है वो एक एक है, वो दोनों को स्वीकार करते हैं, अंदर भी है बाहर भी है, क्योंकि बौद्ध मतलब
कुछ भी स्वीकार नहीं करता, ये बात नहीं है। बौद्ध में सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम, चार जो है सिद्धांत है उसका, एक एक सिद्धांत को पकड़ के एक एक है। सर्वम दुखम दुखम दोनों को स्वीकार करते हैं, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम जो है अंदर को स्वीकार नहीं करते हैं, बाहर का सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। अंदर उसका सत्ता नहीं है मगर बाहर है, उसके साथ संबंध क्यों कर रहे हो? ये वैभाषिक सिद्धांत है। वैभाषिक मतलब क्या है? विभाषा, जैसा हम लोग क्या कहते हैं पंची पंचपादिका, पंचपादिका क्या है? टीका है भाष्य के ऊपर, भाष्य। भाष्य क्या है? वो मूल के ऊपर एक व्याख्या है, बस उतना ही है। तो मगर भाष्य में बताया, भाष्य में बताया, उसको प्रमाण रूप में जैसा मानते हैं वैसा वैभाषिक सिद्धांत को, मतलब विभाषा नामक जो व्याख्याकार है, व्याख्या है, उसको आधार करके जो मानते हैं ब लोग, ठीक है। ये दूसरा है। तीसरा क्षणिक है। अरे बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है, सब अंदर मात्र है, अंदर ही नहीं है, अंदर मात्र है, बाहर कुछ नहीं है। ये जो है तीसरा है क्षणिकवादी, क्षणिकवादी बौद्ध, विज्ञानवादी बौद्ध, यही तो हम लोग देखे थे, विज्ञानवादी, ठीक है। इससे आगे जाके शून्यवादी कहते हैं पागल है क्या, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, हो गया बात, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं। हाँ वही दो है तो चार ही हो सकता है, तो चार आ गया है यहाँ पर। यहाँ पर अंदर बाहर दो ही है, तो अंदर बाहर दो ही है इसलिए चार है। अभी अंदर बाहर मध्य में बीच में बोल के एक और है तो यहाँ पर नौ हो जाएगा, नौ सिद्धांत हम लोगों को झेलना पड़ेगा, तो ये नहीं था, कम से कम उससे बच गए ना। तो अभी एक एक एक, अभी एक एक एक, इसमें जो है एक, इसमें जो है एक, और उसमें जीरो जीरो करके जो है कितना, नौ हो जाएगा आपको। तो मध्य में तो कोई सिद्ध नहीं है इसलिए चार ही है, चार का जो है हो गया है, प्रॉबिलिटी में चार ही हो सकता है, बस दो है तो चार ही प्रॉबिलिटी हो सकता है, चार हो गया आपका, ठीक है। अभी गणित जो है एक विशेष स्वरूप है, इसलिए जो है उस दृष्टिकोण से देखना, अभी आपको आपको अभी संशय नहीं होगा ना, संशय नहीं होगा। तो कल जो है कुछ याद आया था कुछ विषय के बारे में, यहाँ पर जो विषय बता रहे हैं वो गणित का जो है स्वरूप का कुछ याद आया था, मैं बताया था। फिलहाल इस सप्ताह के बीच में जो है एक चार साल का बच्चा है, चार साल मात्र, हम लोग जो है भगवान भाष्यकार पाँच साल में वेद पूरा पढ़ा है, कैसा हो सकता है, क्या पागलपन है। और एक जो है सुंदर बोल के संबंधर बोल के जो है वो इतना बच्चे थे, हाँ वो जो है गाना गाने लगे भगवान के ऊपर, तो ये सब जो है हम लोग मानते हैं। और इसका इतना क्या है, ये जो चार साल का बच्चा, हम लोग नचिकेत को भी पाँच साल का ही मानते हैं, इतना बढ़िया प्रश्न कहाँ पाँच साल पूछ सकता है। ये जो चार साल का बच्चा, वहाँ पर एक परीक्षा होता है आपका दिमाग कितना तेज है उसको देखने के लिए। उस परीक्षा में सातवीं आठवीं कक्षा में जो है उनसे लड़के जीत गया परीक्षा, उतना तेज है उसका दिमाग, IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है उतना तेज है। तो मैंने पूछा उसको जो है प्रश्न पूछा, तुम्हें जो है गणित क्यों अच्छा लग रहा है, गणित क्यों अच्छा लग रहा है, मेरा प्रश्न जो है थोड़ा गलत था, मैंने आप बताइए बोल के पूछ लिया। तो आप बताइए बोल के बताया तो जो प्रश्न सुनने वाला है वो उनको जो है पूछ रहे, उनको नहीं है, वो चार साल का बच्चा को पूछ रहा था मैं। आप जो है चार साल का बच्चा है, आपको गणित अच्छा लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आपको गणित क्यों अच्छा लग रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप चार साल का बच्चा है, आप गणित में अच्छे हैं, इसलिए आपको पूछ रहा हूं आपको गणित क्यों अच्छा लग रहा है। गणित समझ में आ रहा है, तो हम लोग उत्तर तो बहुत दे सकते हैं मगर
उसको गणित जो है इतना इतना जो है तेज है उसका दिमाग, एक उत्तर से जो है समझ में आ गया है मुझे। मतलब उसका गणित को देखा नहीं मैंने, उसका उत्तर एकमात्र जो है काफी है, उसका दिमाग क्यों इतना तेज है, वो क्या उत्तर बताया पता है? क्योंकि गणित में एक ही उत्तर सही उत्तर है, जवाब एक ही जवाब हो सकता है, चार चार जवाब सही जवाब नहीं है, एक ही जवाब है, दो मतलब हाँ चार ही हो सकता है, आप कहीं भी जाके देखिए, दो मतलब हाँ विकल्प चार ही विकल्प, एक एक 0 0 1 0 0 1, बस चार ही विकल्प हो सकता है। वो 4 साल का बच्चा बोल रहे हैं क्या है, गणित में एक सही जवाब है बाकी सब गलत है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। इतना जो है हम लोगों को ये स्पष्टता होना चाहिए, क्या बता रहे हैं ये जो विज्ञानवादी, हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये विज्ञानवादी क्या मान रहा है, अंदर वृत्ति का जो है सत्ता है, बाहर कुछ नहीं है मान रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रकाश स्वरूपत्वात् प्रत्ययानां स्वतः एव पर उपरागम विना, क्या देखिए पर उपरागम विना, वो मुख्य शब्द है, वो मुख्य शब्द ही क्या है आपका, ये जो विज्ञानवादी का जो है जवाब को काटता है, उसका सिद्धांत को काटता है, नहीं तो आप विज्ञानवादी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पर उपरागम बिना, बिना जो है बाहर का, पर बाहर का जो विषय के संबंध बिना जो है, नीलपीतादि आकार होते असंभवत, नीलपीतादि आकार रूप से जो है वृत्ति अपने आप कल्पना नहीं कर सकती है, यद्यपि यही वृत्ति जो है बाहर जाके उसको खड़ा किया है फिर भी जो है वो देखेगा नहीं, जब तक वो प्रत्यय के साथ संबंध नहीं होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब तक नहीं होता है तब तक उसको जो देखा ये स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं तो क्या है मन में जो भी सिद्धि करते हैं वो सब बाहर आके खड़ा हो जाएगा और आपको सताने लग जाएगा, और हमको जो है क्या है ये जो है कुछ लोग ऐसा सिद्धि जो है, ये बाथरूम ड्रीम्स का जो है ये बात है, संडास स्वप्न जो कहता हूँ बार बार, हम लोग बैठ के जो है मजा लेते हैं, अच्छा ऐसा हो गया तो सबको आशीर्वाद दे दूंगा समाधि में, ये अभी ऐसा समझ लीजिए हम लोगों को ऐसा सिद्धि हो गया, अच्छा आपको भस्म दे रहा हूँ, आपको कुमकुम दे रहा हूँ, आपको दूसरा कुछ सोना दे रहा हूँ, जो भी मांग रहे उसको ऐसा ऐसा करके दे रहा हूँ, मतलब मेरा संकल्प से जो है सिद्ध हो जाएगा, यदि ऐसा समझ लीजिए आप क्या समझ रखे हैं, आपका मन इतना शुद्ध है आप संकल्प अच्छे अच्छे संकल्प ही करेंगे, सांप आ गया तो कहीं बोल के आप सोचेंगे सांप आ जाएगा बाहर आके आपसे डर के जो है आप उसको जो मारने के पहले आपको काट देगा, वो बहुत खतरनाक है, मतलब हम लोगों को जो है अपना संकल्प को रोकने का शक्ति नहीं है, इसलिए अच्छा है हम लोगों को ऐसा सिद्धि नहीं है, हाँ अच्छा है हम लोगों का ऐसा सिद्धि नहीं है, सिद्धि हो तो कितना खतरनाक हो जाता है, तो ये बात क्या कह रहे हैं, नील पीतादि आकारवत्तया असंभवात, कस्य असंभवात, वृत्ति नाम असंभवात, प्रत्यादि नाम असंभवात, कीदृशी असंभवात, पार उपरागम बिना असंभवात, वृत्ति बाहर विषय नहीं है तो वो जो है नील पीतादि आकार से विषय को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए मैं विज्ञानवादी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इति प्रत्ययमात्र स्वरूपता शब्दादि है न इति, तो इसलिए ना वहां पर जो है एक अंतिम में है शब्द, पुस्तक को जो है ऐसा देख रहे इसलिए ना दिखाई नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, वो ना जो है मुख्य शब्द है, न प्रत्यय मात्र स्वरूपाः शब्दादय है, इसलिए प्रत्यय मात्र स्वरूप नहीं है, प्रत्यय विषय आकार से प्रत्यय है, ये स्वरूप है, इति अध्याहारेण योजना, इस अध्याहार करके इसको संबंध करके आप समझना है, नहीं तो पूरा चौपट आपको जो विज्ञानवादी आ जाएगा। परमत निराकरण उपसंहरति, अभी जो है चलो बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, बक 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 बक, अभी क्या बात बताने वाले हो बताओ, तुम समझ लिया ठीक है,
अबे प्रश्न क्या है वो बताओ। तो कह रहे तस्मात, उपसंहार करके बता रहे अभी जो है मेरा अर्थ तात्पर्य था, इसको जो है आपको बता रहा हूं क्या है। तस्मात, तस्मात मतलब बाह्य आकार है, शब्दादि रूप है, इंद्रिय संसृष्ट है, अर्थ है, निमित्तम येषां प्रत्ययानां तेषां भावः बाह्य आकार निमित्तत्वम् इति विग्रह। क्या कह रहे बाह्य आकार है, वहां शब्द क्या था, तस्माद् बाह्य आकार निमित्तत्वम् गम्यते कहा है, वो बाह्य आकार निमित्तत्वम् एक ही शब्द है, उस शब्द को जो है यहां पर व्याख्या कर रहे। क्या है, बाह्य आकार है, शब्दादि रूप है, बाह्य आकार मतलब किसका है, शब्दादि रूप है, शब्दादि विषय, इंद्रिय संसृष्ट अर्थ है मतलब इंद्रियों से संबंध हुआ अर्थ है, निमित्तम, निमित्तम किम, इंद्रिय संसृष्टत्वम निमित्तम, इंद्रिय संसृष्ट ही यहां पर संबंधी यहां पर निमित्त है, येषां प्रत्ययानां जिस प्रत्ययों का वह प्रत्यय क्या है, तेषां भाव है, उसी को क्या कह रहे हैं, बाह्याकार निमित्तत्वम। बाह्याकार निमित्तत्व मतलब इंद्रिय विषय के साथ जो है बाह्य इव जो विषय है उसके साथ जब संबंध करता है तब उसका संबंध के कारण ये वृत्ति भी उस उपरक्त हो जाता है। ठीक है, इत्यतः तस्मात् प्रत्यानां बाह्याकारवत् शब्दादि आकारत्व सिद्धि इति अन्वयः। तो इसलिए क्या है, तस्मात् इसलिए इत्तः इत्यतः इस कारण से, तस्मात् देयरफॉर उस इसलिए क्या है, इस स्थिति पे इसलिए प्रत्यानां बाह्याकारवत् शब्दादि आकारत्व सिद्धि, प्रत्यानाम शब्दादि आकारत्व सिद्धि, प्रत्यय जो है प्रत्ययानाम शब्दादि आकारत्व सिद्धि, प्रत्ययों से जो है शब्दादि आकारत्व का सिद्धि हो रहा है, कैसा सिद्धि हो रहा है, बाह्य आकारवत, बाहर उसका जो है बहिर्वोद्भूतम यथा, वैसा जो है आपको अनुभव में आ रहा है। ठीक है, चैतन्यात् पृथक आकारवंतः ये शब्दादि है पराग व्यवहार योग्याः। तो अभी ये इतना सिद्ध करने के बाद अभी विषय पे उतर रहा है, क्या है, चैतन्य से जो भी भिन्न है, तो कह रहे चैतन्यात् पृथक, चैतन्य से भिन्न आकारवंतः जिसका आकार है, जो आकार वाला है, चैतन्य से पृथक आकार वाला है, वो सब वत के जगह पे वंत कह दी है, मतलब बहुवचन है। ठीक है, ये शब्दादि है, क्योंकि विषय बहुत है शब्दादि, तो वो क्या है, पराग व्यवहार योग्याः, वो सब क्या है, बाहर है, तो अंदर बाहर का बात ही कहां से आया है, कुछ नहीं हो सकता है, सही बात है, मगर वो चैतन्य तो नहीं है, चैतन्य हो तो मैं जो है अंदर बाहर का व्यवहार नहीं करूंगा, मगर ये जो जड़ है चैतन्य नहीं है, इसलिए बाहर इव, तो उसको बाहर कर दिया मैंने, चैतन्य नहीं इसलिए बाहर है, ऐसा समझ के स्वीकार कर लिया उसको। तत्कृत आकारत्वात् सिद्धि प्रत्यानाम न स्वतः इत्यर्थ है, तो प्रत्यानाम सिद्धि तत्कृत आकारत्वात्, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय स्वतः सिद्ध नहीं हो रहा है, उस रूप से जो है प्रत्यय बन रहा है, उसलिए क्या है, वो प्रत्यय भी वृत्ति भी जो है उस आकार, प्रत्यय वृत्ति, वृत्ति ज्ञान को प्रत्यय कह रहे, वृत्ति क्या है, वृत्ति भी तत्कृत आकारत्वात् शब्दादि आकारत्वात्, शब्दादि आकार में जो है आपका प्रत्यय भी बन गया, इसलिए उसका भी सिद्धि हो रहा है, आपका वृत्ति का भी स्वतः नहीं है, अपने आप में नहीं है, क्यों, क्यों स्वतः नहीं है, क्यों स्वतः नहीं है, शब्दादि आकारत्व को जो सिद्धि स्वतः नहीं है, क्यों, बाहर व्यवहार है, पर व्यवहार योग्य है, चैतन्य से पृथक है, इसलिए पर व्यवहार योग्य है,
वही हेतु है। सब बाहर बाहर जो भी है वो बाहर ही रखे है, आत्मा के साथ संबंध भी नहीं रखा है। इतना स्पष्ट है उसका दिमाग, इतना होते हुए क्या कहां फिसल रहा है अभी अभी। एवं शब्दादि नाम विषयानाम स्व व्यतिरिक्त, अभी इसका जो है देखते हैं आराम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।